जीवन का सबसे पेनफुल, सबसे पीड़ादायक समय कौन सा होता है? ये वो समय होता है जब आप कोई भी एफर्ट करते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की कोई भी कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। किस तरह से ढूंढें कि किस्मत कहां पे रूठी हुई है, किस तरह से ढूंढें कि भाग्य कहां पे सोया हुआ है। आप खुद ही अपने बर्थ चार्ट को दुरुस्त कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। आप अपने भाग्य के ग्रह को भी ढूंढ सकते हैं, आप अपनी सोई हुई किस्मत को भी जगा सकते हैं। जरूरत क्या है? जरूरत है ये जरूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की, जो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि जब भी आपको लगे कि किस्मत आपसे रूठ रही है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो किन किन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप यकीन मानिए, अगर ये जानकारी को आप ध्यान से सुन लेंगे ना, तो आज के बाद आप किस्मत की शिकायत कभी नहीं करेंगे, ईश्वर से ये नहीं कहेंगे कि आपका भाग्य सो रहा है। तो इसलिए अगले कुछ मिनट तक इस जानकारी को बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, सोई हुई किस्मत एक ऐसा समय होता है कि जब इंसान जो मर्जी कर ले बस नतीजों में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। इंसान नौकरी कर रहा हो तो नौकरी छूट जाती है, चलो नौकरी चलती रहे, उसकी बॉसिस से बननी बंद हो जाती है। कई बार ऐसे होता है कि उसके सबॉर्डिनेट जो हैं वही उसको पीड़ा देनी शुरू कर देते हैं। और व्यापार की बात करें तो व्यापार में इंसान जितना मर्जी अपने स्टॉक डालता रहे, व्यापार में जो मर्जी एफर्ट्स करता रहे, बस काम नहीं चलता है। काम चले तो उसके धन की बरकत नहीं आती है। ये सब निशानियां होती हैं कुंडली में दोष उत्पन्न होने की। ये निशानियां होती हैं कि अब कहीं ना कहीं तो उसकी किस्मत जो है वो सो गई है, भाग्य का साथ छूट रहा है। तो आज ये जानकारी को बस आप नोटबुक पकड़िए और नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने जा रही है। तो शुरू करते हैं उन लोगों से जो अपना जीवन यापन जो है वो नौकरी के थ्रू कर रहे हैं। फिर ये नौकरी चाहे प्राइवेट हो, ये नौकरी चाहे सरकारी हो, बढ़िया से बढ़िया अथॉरिटी वाली नौकरी हो, या एक नॉर्मल अच्छी गुजारा करने लायक भी नौकरी हो, आप सभी के लिए एक कॉमन फैक्टर है लाइफ में। कॉमन फैक्टर क्या है कि जो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके जीवन में दो ग्रहों का मजबूत होना, दो ग्रहों का अनुकूल होना बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। पहला ग्रह इसमें है सूर्य और दूसरा ग्रह है गुरु। किस तरह से? सूर्य जो है ये नौकरी पेशा लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह एस्ट्रोलॉजी में बताए गए हैं। सूर्य ग्रह ऐसे हैं जो आपको अथॉरिटी देते हैं, सूर्य ग्रह ऐसे हैं जो आपको विजिबल बनाते हैं। अगर आपके सूर्य सही नहीं है ना, आप अपने बॉसेस को बिना बात के बुरे लगने शुरू हो जाओगे। खराब सूर्य जो हैं ये चलती चलती नौकरी को रोक देते हैं। खराब सूर्य जब होते हैं ना, तब क्या होता है कि वो इंसान चाहते ना चाहते हुए भी अपने आसपास वालों की नजर में विलन बनना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके सूर्य खराब हैं तो क्या होगा कि नौकरी बड़ी अच्छे से चल रही थी, लेकिन एकदम से क्या हुआ, नौकरी को छोड़ना पड़ गया। आपने किसी अच्छी उम्मीद में नौकरी को स्विच किया था, लेकिन जो अगली स्विच की हुई नौकरी है वो आपको बिल्कुल सूट ही नहीं की, या आपकी ट्रांसफर्स ही इतनी हो रही हैं कि आप अपनी नौकरी में चैन से बैठ ही नहीं पा रहे। इवन सूर्य का कमजोर होना जो है ये आपकी लाइफ में इस तरह के रिजल्ट लेके आता है कि काम में पेडेंसी बढ़ती चली जाती है। आप अपना 100% अपने काम को दे ही नहीं पाते हो, काम की जो क्वालिटी है ये लो जानी शुरू हो जाती है। इंसान अपनी तरफ से तो सोचता है कि मैं एफर्ट पूरे कर रहा हूं, लेकिन सामने वाले तक वो एफर्ट पहुंच नहीं पाते हैं। वो इंसान जो है वो ऐसा होता है कि इनके बॉसेस जो हैं वो कान के कच्चे हो जाते हैं, किसी और की बातों में आके इनके खिलाफ हो जाते हैं, इनके प्रति रिवेंजफुल हो जाते हैं। देखिए, एक खराब सूर्य आपकी नौकरी में किस किस तरह के भूचाल लेके आता है। और बृहस्पति ये दूसरा ग्रह है, ये अगर खराब होगा तो क्या होगा कि ऐसा इंसान जो है अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इनको जो भी काम दिया जाए ये अनमने ढंग से करते हैं, काम को ढंग से फिनिश नहीं कर पाते। नौकरी में इनसे जिस चीज की उम्मीद होती है ना, जिस आउटपुट की, ये वो आउटपुट नहीं दे पाते। ये जो चीज है कुछ महीनों की सैलरी तो ला देती है, लेकिन इनकी जो ब्रांडिंग होती है ना, इनकी ब्रांडिंग एक बड़े एवरेज कर्मचारी के रूप में बन जाती है। और जब एवरेज कर्मचारी होगा वो ना लाइफ में बहुत तरक्की ले पाएगा, ना ही लोगों की प्रशंसा ले पाएगा। अप्रेजल्स जितने भी होते हैं ना नौकरियों में, वो अपनी इमेज की बदौलत भी होते हैं, और आंकड़ों में आपके आउटपुट क्या है उनकी बदौलत भी होते हैं। लेकिन खराब बृहस्पति ना आपके स्टैटिस्टिक्स को, आपके आंकड़ों को सही होने देगा, और ना ही आपको ढंग से किसी काम को पूरा करने देगा। ऐसे लोग क्या कहते हैं कि मैं तो बस किसी मजबूरी में नौकरी कर रहा हूं, मुझे आज मौका मिले तो मैं आज ही नौकरी छोड़ के अपना काम कर लूं। यानी इनका काम में मन ना लगना, ये इनके खराब बृहस्पति की निशानी होती है।
सो जो लोग सूर्य की खराबी से पीड़ित हैं, यानी कि बॉसिस से नहीं बन रही है, उनके अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके अंडर रिपोर्ट करने वाले वो उनको परेशान कर रहे हैं, या उनका प्रोफाइल उनके पोटेंशियल के मुताबिक नहीं मिल रहा है, तो उनको अपने सूर्य को सही रखना होगा। सूर्य को सही रखने के लिए उनको क्या करना है, 11 रविवार तक एक तांबे के लोटे में गेहूं भरिए, ऊपर गुड़ रखिए, और उसको किसी भी मंदिर में, स्पेशली लक्ष्मी नारायण मंदिर में रविवार वाले दिन रख के आइए, बड़ी श्रद्धा से रख के आइए। ये सूर्य का एक बड़ा ही जबरदस्त उपाय है उन लोगों के लिए जो अपनी नौकरी में किसी ना किसी तरह की परेशानी का शिकार है। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखिएगा, अगर आपकी नौकरी अच्छे से चल रही है, आपको तरक्की भी मिल रही है, और तरक्की लेने के लिए ये उपाय मत करिएगा, क्योंकि ये फिर एनर्जी से बिना बात की छेड़छाड़ हो जाती है। अगर आपको लाइफ में सब कुछ अच्छा चल ही रहा है ना, तो इसका मतलब है सूर्य आपका साथ दे रहे हैं। अब यहां पे इसकी ओवरडोज लेने का आपको कोई फायदा रहेगा नहीं। ये केवल उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में किसी ना किसी परेशानी का शिकार हो रहे हैं। यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, सूर्य हो चाहे गुरु हो, एक प्लैनेट्स का ग्रुप है। मैं अपने पिछले एक वीडियो में भी ये चीज बता चुका हूं, लेकिन आज ये चीज आपको किसी नए संदर्भ में बता रहा हूं। प्लैनेट्स का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में कौन कौन है, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है और गुरु है। ये चार ग्रह जो है आप अपनी नोटबुक पे नोट करके रख लीजिए। ये ग्रह एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं, यानी अगर किसी के सूर्य खराब होंगे ना, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा, गुरु और मंगल ये भी लाइफ में अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। मंगल की खराबी आपको काम में अनमने ढंग से काम को करना बताएगी, गुरु की खराबी मैंने अभी आपको बताया है काम को फिनिश नहीं करने देगी, चंद्र की खराबी जो है इंसान डर में आके या किसी पैनिक में आके अपने काम को खराब कर देता है। ये तो एक ये हो गए मोटे मोटे एट्रीब्यूट। आपको लाइफ में क्या करना है, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, इनको अलग अलग तरीकों से सही रखना है। मिठाइयां गरीब लोगों में बांटने से मंगल सही रहेंगे। चंद्रमा कैसे सही रहेंगे, चंद्रमा सही रहेंगे अगर आप शिवलिंग पे मंडे के मंडे दूध चढ़ाते रहेंगे। सरल उपाय हैं, लेकिन ये उपाय आपकी नौकरी को बहुत हद तक बढ़िया करेंगे। अगर आपको काम में कोई चिंता, कोई बाधा लग रही है ना अपनी नौकरी में, इनसे शर्तियां ये चीजें दूर हो जाएंगी। और अगर आपको सही करना है सूर्य को, एक तो उपाय मैंने अभी आपको दे दिया, एक और उपाय है, वो है सूर्य की चीज, कॉपर का एक कॉइन सूर्य होता है। लाल रंग क्या होता है, ये मंगल होता है। सूर्य और मंगल को कंबाइन करिए, यानी कॉपर का एक कॉइन लीजिए, उसकी एक साइड पे रेड कलर करिए, नेल पेंट से रेड कलर कर लीजिए, और उसको लाल कपड़े में ही रैप करिए और अपने वर्किंग बैग में रख लीजिए। वर्किंग बैग आपके पास नहीं है तो वर्किंग ड्रॉअर में रख लीजिए, नहीं तो आप अपने पॉकेट में भी इसको रख लीजिए। इतना भर करिएगा, ये तब करिएगा अगर आपको लग रहा है कि आपके काम कारोबार में आपको परेशानियां आ रही हैं। यकीन मानिए, आप किसी भी तरह की नौकरी में हो, चाहे वो प्राइवेट चाहे सरकारी नौकरी, इन उपायों से आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन आएगा ही आएगा। और क्योंकि मैंने इसी उपाय में आपको मंदिर जाने वाला उपाय दे दिया, तो इससे आपके जुपिटर जो हैं, बृहस्पति जो हैं, वो भी सही हो ही जाएंगे। तो नौकरी के बाद अब बात करते हैं उन लोगों की जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना काम कर रहे हैं, किसी कारोबार में हैं, किसी व्यापार में हैं। व्यापारियों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है ना, वो ग्रह है बुध। अगर वो अपने बुध को सही रखेंगे तो उनका व्यापार सही भी चलेगा और उनको अपने व्यापार में लगातार प्रॉफिट भी होता रहेगा। कोई भी इंसान व्यापार कर रहा है, चलते चलते व्यापार कमजोर हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि किसी ना किसी तरह से अब उनकी लाइफ में उनके जो मरकरी यानी बुध हैं, ये कमजोर हो रहे हैं। अब बुध जब कमजोर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इंसान अपने क्लाइंट्स को दिखना ही मानो बंद हो जाता है, यानी उनके जो क्लाइंट्स पहले उनको रिपीट सर्विस दे रहे थे, अब वो उनके पास आना बंद कर देते हैं, और उनके जो सप्लायर होते हैं वो अलग से रूठते हैं। ये तो बात हो गई जब कोई इंसान किसी चीज की ट्रेडिंग कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। कई लोग तो सर्विस इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए भी ये बुध जो है बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। सर्विस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व लोगों का बुध जब खराब होता है ना, तो क्या होता है, उनकी सेवाओं में बड़ी कमी आनी शुरू हो जाती है। वो बदलते जमाने के साथ अपनी सेवाओं को बदलते ही नहीं है, कंपटीटर अलग से सर्विसें दे रहे होते हैं, ये अपनी ही उस सर्विस को खराब तौर पे देना शुरू कर देते हैं। अगर आप अपने व्यापार में हैं, किसी भी तरह के व्यापार में हैं, आप ढाबे में हैं, आपका सैलून है, आपकी शॉप है, आपकी फैक्ट्री है, आप किसी भी तरह की कोई सर्विस बेच रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट, कोई आइडिया बेच रहे हैं, किसी भी तरह का काम है, अपने बुध को सही रखिए। बुध को सही रखने का एक बहुत ही जबरदस्त उपाय आपको दे रहा हूं, वो उपाय है, आपको कांसे की एक कटोरी लेनी है। कांसे की कटोरी में आपको मूंग की दाल भिगो के रखनी है। सुबह उस दाल को रोज पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए। अब मैटर ही नहीं करता आप किस तरह के काम में हैं,
बस आपका बुध सही हो जाएगा, और जब बुध सही होगा आपको अपने व्यापार में किस्मत कनेक्शन 100% मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां पे आपको कुछ और चीजों का ध्यान देने की जरूरत है। पिछले सेगमेंट में, नौकरी वाले सेगमेंट में, मैंने जैसे आपको बताया था ग्रहों का ग्रुप होता है, यहां पे भी एक ग्रुप है। बुध के ग्रुप में है शनि और शुक्र, आपको शनि और शुक्र इनको भी सही रखना है, हर हालत में इनको सही रखना है। आप शनि को कैसे सही रख सकते हैं? शनि को सही रखने के लिए आपको क्या करना है, हर शनिवार को पीपल के पेड़ को जल देना है, और पीपल के पेड़ के नीचे कीड़ों के लिए आपको कुछ ना कुछ चीनी, ये चीनी का पाउडर, ऐसी कोई मीठी चीज जो है डालते रहना है। इससे आपके शनि सही होंगे। जब शनि सही होते हैं ना चार्ट में, ये बुध को सपोर्ट करते हैं, और बुध कई बार बिना उपाय के ही लाइफ में स्ट्रांग हो जाते हैं। और शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए, ये हमारे इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, शुक्र को कैसे सही रखें। नॉर्मली लोग शुक्र को सही रखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्लीनलीनेस की एग्जांपल देते हैं कि अपना आसपास जो है उसको साफ रखिए, आप खुद साफ सुथरे बन के रहिए, आपका जो वर्क डेस्क है उसको ऑर्गेनाइज रखिए। ये बात सही है, लेकिन यहीं से एक चीज निकल के आ रही है, ऑर्गेनाइज, आपको अपने हर काम में ऑर्गेनाइज होना है। अगर आपका कोई काम कंप्यूटर पे है, कंप्यूटर में सारी फाइलें ऑर्गेनाइज हो, आपके डेस्क पे हर चीज ऑर्गेनाइज हो, आपको कोई भी चीज ढूंढने को बोला जाए आप उसको तुरंत ढूंढ पाए, इस तरह की आपके लाइफ में एक व्यवस्था होनी चाहिए, चीजें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। जब भी आपके आसपास चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं, ये आपके शुक्र के अच्छे होने की निशानी होती है। शुक्र अच्छे होंगे ना तो बुध अच्छे होंगे ही होंगे, शुक्र खराब होंगे तो बुध के आप स्टोन पहन लीजिए, आप बुध की दालें भी दान कर दीजिए, बुध हमेशा वीक रहेंगे। तो बुध को सही करने के लिए आपको क्या करना है, शुक्र की मदद से ऑर्गेनाइज्ड होना है। अगर आप साफ सुथरे रहेंगे, अपने सराउंडिंग को ऑर्गेनाइज रखेंगे, चाहे वो आपका घर है चाहे वो आपका डेस्क है, तो यकीन मानिए बुध कभी खराब हो ही नहीं सकते। और जब बुध खराब नहीं होते हैं ना, तो ये आपके व्यापार को चार चांद लगा देते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी छोटी सी जानकारी, आप चाहे नौकरी में हो, आप चाहे व्यापार में हो, अगर आप इन चीजों को अप्लाई कर लेंगे ना, यकीन मानिए आपके काम में कभी मंदी नहीं आएगी। मंदी नहीं आएगी तो आपको लगातार जो आपके फाइनेंसेस या इनकम है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे, और अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे तो इवेंचुअली लाइफ में पैसे की भी परेशानी नहीं आएगी। और आपको पता है कि जीवन की 70-80% परेशानियां जो हैं, ये धन की कमी से शुरू होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जीवन में 70-80% तक धन की परेशानियों से बचे रहें, तो आज इस वीडियो में बताए गए जो आपके पॉइंट्स हैं, इनको अपने जीवन में अप्लाई कर लीजिए, और फिर देखिएगा कि किस तरह से आपकी जो सोई हुई किस्मत है, ये आपका साथ देती है। तो आज का वीडियो था यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।